एवरी hey वन आगे मेरे दोस्तों मेरे भाइयों मेरे बहनों जय हिंद आगे सारे लोग लव यू ऑल एवरी वन आ जाओ फटाफट मुझे हाई हेलो कर दो यू दोस्त है दोस्तों क्या हाल चाल आगे सारे लोग आ जाओ यार फटाफट आ जाओ फटाफट आ जाओ फटाफट आ जाओ है रोहन क्या हाल चाल मेरे दोस्त क्या हाल चाल क्या हाल चाल बताओ अन्य हाउ आर यू हेलो 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 प्रसन्जीत गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड गुड इवनिंग इवनिंग सो कितने लोगों ने फटाफट बताओ कि पीटर साइक्स का नाम सुना है आई होप दैट के मुझसे सुना होगा या होप दैट के किसी और से भी सुना होगा सुना है ओके दैट्स गुड सारांश इज देर हेलो सारांश पूजा हेलो ऋषि वातसाह क्या हाल चाल मेरे दोस्त खुशबू हेलो लव यू ऑल लव यू ऑल लव यू ऑल लव यू ऑल लव यू दोस्तों शुरू करो जल्दी से लव यू दोस्तों लव यू दोस्तों कुछ तो करो यार थोड़ा तो थो प्यार बांटो व्हाट आर वी डूइंग टुडे बस ऐसे ही मिलने ही आ गए आपसे यस सर फेमस बुक ऑसम भाई सारांश सारंशु बताए फेमस है हेलो 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 शताक्षी पाठक है शताक्षी भाई सनी हेलो सर इस चैनल में आई एमो क्लास सिक्स की प्रिपरेशन नहीं होती हाँ हाँ सबकी होती है सर मैं यही दो हजार तेईस एक्सपेरेंट हूँ केमिस्ट्री के लिए प्री क्या है हैव यू वॉच्ड यस्टरडे सेशन हैव यू वॉच्ड यस्टरडे सेशन लव यू ऑल लव लव अबाउट टाटा मैग्रो ऋषि इफ यूर टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री सेक्शन सो यार मैंने दो एपिसोड लिए एक फिजिकल केमिस्ट्री पे थॉरली कौन कौन सी बुक मेरी नज़र में सही है कौन कौन से बुक का कॉम्बिनेशन बहुत ही एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन है और यस्टरडे का कल का जो सेशन था ना पहले वो केमिस्ट्री पर बेस था बहुत डिस्कशन किया था हमने ऑलमोस्ट फोर्टी फाइव मिनट फिफ्टी मिनट एक घंटे का सेशन था आप चाहो तो उस पर देख सकते हो क्या क्या बातें डिस्कस डिस्कस बहुत डिटेल में डिस्कशन किया मैंने और ये बुक की सीरीज मैं इसीलिए चला ही रहा हूँ क्योंकि बुक से रिलेटेड चूंकि अपना ओलंपियाड का चैनल है इसमें जई एडवांस के साथ साथ नीट के साथ साथ बच्चे ओलंपियाड वाले जो होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं वो कांटेक्ट में आते हैं हमारे वो हमारे साथ प्रिपेयर करते हैं सो यार एक रोड मैप बताना बहुत जरूरी होता है तो काइंड kind ऑफ of है ना कि मैं बुक्स के रिव्यूज या बुक के बारे में जो बता रहा हूँ तो वो पर्पज सही बताने का कि आपको कितना टाइम चाहिए बुक को कवर करने के लिए और बुक कितनी हेल्पफुल है नहीं है किस तरह से बच्चों ने यूज किया पहले ये सारी बातें है ना कल का सेशन देखा था बहुत अच्छा तो चलो मैं फटाफट आज का टॉपिक हमारा है कि पीटर साइक्स के बारे में बताएं पीटर साइक्स अपने आप में बहुत बहुत ही प्यारी सी बुक है इसको गॉड बुक क्यों बोला गया है ये रीजन देखते हैं और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना हुआ है बहुत सारे लोगों ने नहीं भी सुना हुआ है कोई बात नहीं आज तो यार हमारा यही पर्पस ही है डिस्कशन हमारा जो है वो इसी बुक पर होने वाला है कि बुक को कैसे कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा मैं कब सजेस्ट करता हूँ मैं कब सजेस्ट नहीं करता ये सारी बातें सो लेट एस स्टार्ट शुरू कर रहे हैं सबसे पहले तो भाई बुक जो है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे कि आर डी एक्स टी एन टी और किसी भी एक्सप्लोसिव को मिला दो धमाका है बुक बुक तो बिल्कुल बुक अपने आप में क्यों धमाकेदार है मतलब कितना भी एक्सप्लोसिव मिला दो ये बुक जो अकेले सबके सारे एक्सप्लोसिव के बराबर है पहली बात तो ये इसलिए क्योंकि भाई ये केमिस्ट्री की बुक है ये ये हर तरह के एक्सप्लोसिव का कॉन्सेप्ट भी बताती है अंदर ही अंदर ठीक है ये तो चलो पीजे हो गया लेकिन यार एक्चुअली ये बुक ना आपको बिल्कुल सातवें आसमान पे ले जाती है बट क्या इसे कोई भी पढ़ सकता है सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या इसे कोई भी पढ़ सकता है आंसर इज नो सारे लोग नहीं पढ़ सकते दोस्त इसको इसके लिए कुछ प्री रिक्वेट है कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए तो पहली बात तो बुक की तारीफ थी भाई पीटर साइक्स अपने आप में क्या है जलवेदार बुक है mm. बहुत ही बहुत ही बड़ी एक्सप्लोसिव बुक है बहुत एक्सप्लोसिव बुक है और इसे कोई अगर प्रॉपरली यूज कर ले ओहो तो उसका लेवल अलग हो जाता है अब पहला क्वेश्चन आता है वाई द बुक इज कॉल्ड गॉड बुक गॉड बुक बोलने के पीछे रीजन क्या है भाई ऑल मैकेजम्स आर इन डेप्थ डिस्कस्ड एंड पॉसिबिलिटीज हैव बीन एज इफ वी आर इन अ लाइव क्लास बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा ना कि पीटर साइक्स की जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल ऐसी जैसे आपको फील कराएगी कि आप क्लास में बैठे हो और वो आपको समझा रहे हैं बिल्कुल वो किसी भी अच्छे रिसर्चर की बुक ऐसी ही होती है वो बिल्कुल ऐसा फील कराता है जैसे कि आपसे बातचीत हो रही है और उसी बातचीत को उन्होंने लिख दिया है तो काइंड kind ऑफ of ना मैं इसको बोलूंगा कि एक मेडिटेशन है बुक को पढ़ना ना बिल्कुल मेडिटेशन जैसा है इनक्यूजिटिव माइंड जो होते हैं जो क्यूरियस माइंड होते हैं ना उनके लिए बुक तो बिल्कुल जन्नत है यार इतनी सारी बातें बुक में और बुक मतलब बुक ना आपको मतलब बुक के कॉन्स भी हैं मतलब कि बुक में कुछ वैसी भी चीजें हैं जो कि किसी एस्पिरेंट के लिए या नीट एस्पिरेंट के लिए जो चाहिए होता है है ना मैं प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्विंग सेक्शन सेक्शन तो जो ओरिजिनल बुक है उसमें नहीं है जो नई बुक है उसमें एक्सरसाइज के रूप में किया गया है इंडियन राइटर्स की तरफ से किया गया है तो इंडियन राइटर की तरफ से ऐड किया गया वो पोर्शन ना मतलब हम जो बातें कर रहे हैं वो ओरिजिनल बुक के बारे में बात कर रहे हैं मतलब मैं कोई रिव्यू नहीं दे रहा कि इंडियन राइटर की तरफ से उसमें जो एक्सरसाइज जोड़ा गया उसका रिव्यू ना मैं मैं एकदम ओरिजिनल ओरिजिनल पीटर साइक्स की बात कर रहा हूं जिसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी डाली हुई है और हर जगह थ्योरी है मतलब आप इस बुक का बोल सकते हो कि भाई सर इस बुक में तो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है ओरिजिनल बुक में तो सर मैं क्या नई नई वाली एडिशन ले लू? दोस्त, एडिशन ले दोस्त और पुरानी एडिशन पे मैं यही बोलूंगा पहले काम करते हैं जो ओरिजिनल बुक है ना उस पर पूरा डिस्कशन करते हैं एंड में जाकर के मैं नई एडिशन के प्रोस एंड कॉन्स काउंट करा दूंगा ठीक है सो वी आर फोकसिंग ऑन द ओरिजिनल पीटर साइक्स ओरिजिनल पीटर साइक्स की आपको ना पीडीएफ मिल जाती है इंटरनेट पे जानते ये सारे लोग हाँ ओरिजिनल बुक जो नाइनटी सिक्सटीज की है वही काफी है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मानिक बिल्कुल सही बोल रहे दैट इन ऑर्गेनिक सीरीज का लग चुका है वो ऑलरेडी शेड्यूल डोंट यू थिंक हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सारे जेई मेंस नीट सबके लिए सीरीज बनाने की पूरी उम्मीद है लेट अस जस्ट मेक द शेड्यूल यार थोड़ा सा शेड्यूल बनाने में दिक्कत हो रही है बहुत सारी चीजें चल रही हैं सो so, मैं क्या बता रहा था भाई कि बुक बिल्कुल मेडिटेशन के जैसा है मैं पहले ओरिजिनल बुक के बारे में डिस्कशन कर लू और उसके बाद फिर ना आपसे डिस्कशन करूंगा कि नई जो बुक आई है एडिटेड बुक आई है जिसमें कि एक्सरसाइज एडेड है उसके क्या प्रोत्सन कौन से बट वी आर डिस्कसिंग द ओरिजिनल वन जो बच्चे ने बताया भी कि सर 1960 से जो चली आ रही है हाँ बट बीच-बीच में बेसिक्स कुछ कुछ एडवांस तो so, uh, जा सकते हैं दोस्त पता है क्या इस बुक की यही तो खासियत है जब ये शुरू करेगा किसी मैकेनिज्म को ना जब ये बुक जो है डिस्कस करती है किसी मैकेनिज्म को तो बिल्कुल भिल, टीस टू जीरो से बिल्कुल बेसिक्स के जीरो से स्टार्ट होती है बुक लेकिन बुक में एक दो प्रॉब्लम आपको आ सकती है थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो थोड़ा अच्छे ढंग से यूज की हुई है जैसे एल जी वेड अगर आप पढ़ेंगे ना जो मैंने कल बताया था एल जी वेड एल जी वेड इसके सामने थोड़ी ज्यादा लुसिड है सो so, कोई भी बच्चा जो ये सोचता है कि मैं बिल्कुल पीटर साइक्स को अगर मैं ऑर्गेनिक नहीं जानता हूं कोई स्टूडेंट सपोज दैट के किसी स्टूडेंट ने यह कहा कि सर आ, मैं ऑर्गेनिक ना आज शुरू कर रहा हूं मैं इलेवंथ का स्टूडेंट हूं आज मैं ऑर्गेनिक शुरू कर रहा हूं जेई के लिए या ओलंपियाड के लिए

विदाउट द बेसिक्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग ये बुक बहुत मुश्किल हो जाएगी विदाउट द बेसिक्स ऑफ बेसिक्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग तब तो बहुत मुश्किल है अगर केमिकल बॉन्डिंग के साथ साथ आपने अपने टीचर से जीओसी पढ़ लिया है ना बुक स्टार्टिंग में टफ लगेगी अगर विदाउट आप केमिकल बॉन्डिंग के जा रहे हो तो बुक विल बी लाइक ओह हेल क्या कर दिया यार ओह लाइक ओफ इट्स kind of नहीं, नहीं होगा ऐसी तो इसकी, इसकी क्या, मतलब क्या बोलना चाह रहा है सो so, अगर आप विदाउट टीचर चलेंगे ना इस बुक को पढ़ने के लिए एक टीचर अगर आपके साथ बैक एंड पे खड़ा ना तब तो अलग ही लेवल हो जाता है तो मैं अगर किसी भी स्टूडेंट के पास जो कि वन ईयर से ज्यादा जिसके पास टाइम होता है उसको जब मैं बुक सजेस्ट करता हूं तो उसके बैकहेंड पे मैं खड़ा रहता हूं तब पीटर साइक्स को पढ़ने का ना मजा ही अलग होता है तो जैसे देखो कि आगे मैंने स्लाइड में ये बात लिखी भी है कि अगर आप अगर इसे करना चाहते हो तो कब करोगे क्या टाइम चाहिए तो इस बुक को पढ़ना इस बुक को पढ़ने के लिए मेरा एडवाइस क्या होता है देखो हर जय भाई हाँ कैन वी गो फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस मैंने आंसर लिखा है यस yes. बट आपको चाहिए क्या ऑल यू नीड इज अ वन ईयर एट लीस्ट सो बुक पढ़ लीजिए बट मेरा सजेशन है बुक वही लोग पढ़ें जिनके पास कम से कम एक साल हो कल भी जब ऑर्गेनिक की बुक का डिस्कशन हो रहा था तो मैंने बताया था कि देखो बुक जो भी मैं सजेस्ट कर रहा हूं आपको उन्हीं लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं जिनके पास कम से कम ना एक साल है दैट इज दे आर टारगेटिंग 2022 तो क्या 2021 को बिल्कुल नहीं कर सकते जिन्हें जेई मीनस देना है वो नहीं कर सकते जिनका एग्जाम जेई एडवांस टाइप का है या जिनपे अभी डिले है वो कर सकते हैं बट वो भी टीचर के साथ आई थिंक दैट वो मेरा नेक्स्ट पॉइंट भी होगा हाँ, मैंने लिखा भी आई डोंट सजेस्ट द बुक फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज नहीं होने वाला टाइम लगेगा इससे अच्छा आप नोट्स कर लो तो फॉर ऑल दोस्पिर जो कि अभी देने वाले हैं 2021 में उनके लिए सजेशन है कि वो नोट्स पे चलो जो भी आपने पढ़ा बढ़ावा उसके साथ चलो उसमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे हाँ जो जो भी बच्चा चाहता है कि मैं केवीपीवाई भी दूं ट्वेल्थ में एक साल है मेरे पास अभी मैं क्लास ट्वेल्थ के लिए केवीपीवाई के लिए प्रिपेयर कर लूँ एन के लिए प्रिपेयर कर लू अच्छे मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर लो सी में ओलंपियाड वाला स्टेज या फिर के के लिए कर लो अलोंग विथ जेई और नीट तो उनके लिए परफेक्ट है अभी स्टार्ट कर लो और अगर टीचर साथ दे दे तब तो गजब हो जाएगा आप टीचर से डाउट्स लेते रहोगे मजा आ जाएगा फिर मैंने ये भी लिखा आई डोंट सजेस्ट विदाउट अ टीचर होम यू कैन डिस्कस द डाउट्स विथ मैं नहीं सजेस्ट करता कि बुक को खुद से पढ़ो टफ लगेगा बट ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि खुद से भी पढ़ लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट है मतलब लेकिन वो वही स्टूडेंट है जिन्होंने कि ना जो है वो टॉप में की गोल्ड मेडलिस्ट है और थर्ड स्टेज में गए सी एस सी में एट्थ वही वही नाइन से लगे रहते हैं से लगे रहते हैं वही बच्चे हैं जो कि खुद से सेल्फ स्टडी करके कर लेते हैं बट विदाउट अ टीचर थोड़ा मुश्किल होगा तो अगर क्या विदाउट अ टीचर बिल्कुल नहीं करना चाहिए नहीं आप कर सकते हो इफ़ यू आर डेयरिंग और आपको खुद पर यकीन है आप फाइटर हो कर सकते हो आप जो लोग बिल्कुल लेजी हैं या उनको लगता है कि नहीं यार मतलब जैसे मैंने लिखा है ना ना ये बुक नहीं 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 होगी उनसे जो impatient जो है 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 और होने वाली उनके लिए सजेशन ही समझे दोस्त हम old या new edition, कौन सा ले बताओ किनको किनको मैं सजेस्ट कर रहा हूं ये बुक, बुक? किन्हें सजेस्ट की जा रही है इसे समझ जाओ समझ रहो ऐसे नहीं करना है मैं थोरली मैं बता दे रहा हूं कि भाई किसे करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए ठीक है और बुक का फायदा क्या क्या है बुक आपके ना पूरे मैकेनिज्म के पूरे बेसिक्स को बहुत अच्छा कराएगी और सारे क्वेश्चन क्वेश्चन आप मान करके इस तरह से चलो कि जो भी क्वेश्चन आपको ओलंपियाड में केवीपीवाई में या फिर जे एडवांस में आएंगे बिल्कुल यहीं से उठा करके पॉइंट्स डाले जाएंगे गारंटीड सारे कॉन्सेप्ट सारे पॉइंट आप बिल्कुल बिंदास बोल सकते हो 90 परसेंट जो सिर्फ और सिर्फ बुक के ही होंगे बुक पढ़ने का मतलब पता है कि इसी इस में से पॉइंट आएंगे जैसे हम ढूंढते रहते हैं ना क्योंकि हम ये बुक पढ़ ले या क्या हम ये स्टडी मटेरियल पढ़ लेते तो इससे क्वेश्चन आ जाएंगे ये वही बुक से इसीलिए गॉड बुक है भैया हमारे लिए हमें पता है कि क्वेश्चन यहीं से उठा के दिए जाते हैं कुछ भी नया भी उठा के दिया जाएगा इन्हीं में से कोई पॉइंट उठा करके दिया जाएगा पता है श्योर श्योर क्वेश्चन अरेंज करने वाले जेई के जो प्रोफेसर होते हैं आई के प्रोफेसर होते हैं या फिर नीट वाले जो भी होते हैं ना वो किसी अच्छी बुक से पॉइंट उठा करके देते हैं और जब वो नहीं देते हैं कहीं से अपने मन से दे देते हैं तो अक्सर जो है है बुक में मतलब में मतलब क्वेश्चन एरर आ जाता नहीं ये बात भी पूरी तरह से सही नहीं है <laughs> बट हाँ सारे पॉइंट्स आप मान सकते हैं एटलीस्ट नाइनटी परसेंट तो आप बोल ही सकते हैं कि बुक से ही उठा के दिए जाते हैं कई सारे पॉइंट तो बिल्कुल ना प्रीवियस ईयर उठाएंगे और यही दिखाई देगा बुक के बुक के लाइन को उठा करके दे दिया गया है बिल्कुल ऐसे ही करते जैसे पीटर पीटर एटकिंस है ना फिजिकल केमिस्ट्री में पीटर एटकिंस ऊपर के लेवल की बुक है आप मेरा फिजिकल वाला सेक्शन देखोगे जो मैंने फिजिकल में डिस्कशन किया है मैंने बताया हुआ है कि पीटर एटकिन से भी कुछ पार्ट आपको ना टीचर से सिलेक्ट करवा लेना चाहिए नहीं होगा तो मैं ही कभी आऊंगा आपको यूट्यूब पर ही सिलेक्ट करके क्योंकि ये काम कर सकते है एक समाज सेवा होगी कि मैं YouTube पर आऊं और लोगों को ना सिलेक्ट करके दे दूं कि भाई ये पोर्शन तो पीटर एटकिन से पढ़ लेना जिनके पास कम से कम एक साल है जो अगले साल देने वाले हैं उनके लिए तो बिल्कुल पीटर एटकिन से कुछ पार्ट यही एडवांस में कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्टली पूछे हुए हैं और इसीलिए कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर का कुछ सेक्शन गैसे स्टेट का कुछ केमिकल का कुछ बिल्कुल से भी पढ़ लेना चाहिए हुआ है उनके लिए नहीं है बुक आई बात समझ अभी तक कितनी बात समझ में आई लेटस रिवाइज फटाफट फटाफट रिवीजन है कौन कौन सी बात मैंने बोली मैंने बोला भाई बुक तो बहुत एक्सप्लोसिव है दूसरी बात मैंने बोली कि वाई द बुक इज कॉल्ड गॉड बुक बिकॉज के हर बात ही इसी और इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि यहाँ की ही लाइन बुक की ही लाइन उठा करके आपको दिखती है किसमें एग्जाम्स में दिखती है फिर देखो आगे ऑल यूनिटीज वन ईयर हाँ ये एक पॉइंट बनता है कि कम से कम एक साल होना चाहिए अगर बुक को ढंग से पढ़ना है तो और आपके बैक एंड पे कौन होना चाहिए टीचर होना चाहिए है ना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैं नहीं सजेस्ट करता फिर आपके पास अगर टीचर हो तभी आप थॉरली इसको पढ़ पाओगे और नहीं तो खुद से करना बहुत टफ जॉब है बट स्टिल देयर आर देर जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और उनके आप अगर इंटरव्यूज वगैरह पढ़ोगे वो बताएंगे कि उन्होंने टीचर से पढ़ने से पहले खुद से शुरू कर लिया था ऐसे स्टूडेंट होते हैं बहुत हार्ड वर्किंग है ना अब वो टफ तो होता है तो अगर कोई टीचर आपके साथ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी आप अपने टीचर से कहिएगा ना सपोर्ट लीजिएगा ना बहुत अच्छी बात होगी जिस किसी भी टीचर से आप पढ़ते हैं जरूर सपोर्ट लीजिए उनसे आई डोंट सजेस्ट दिस बुक टू दोन डिसिप्लिन में यहाँ पहुंचा था ठीक है इसके बाद आई डोंट डोंजेस्ट फॉर जेई मेन ट्वेंटी सजेशन नहीं है कि ये बुक पढ़ा जाए जेई जेई टू मेन के लिए तो टीचर तो से क्या करवाइए कर वरना मैं किसी दिन आ तो मैं सिलेक्ट करके कुछ पार्ट बता देता हूँ जो बिल्कुल जरूरी है बुक से पढ़ना जो पढ़ करके ही जाना चाहिए वैसा तो जिनके पास एक साल है वो थॉरली बुक को पढ़ सकते हैं अपने पॉइंट्स बना सकते हैं अपने शॉर्ट नोट बना सकते हैं टीचर की हेल्प लेकर के तो और धूम मचा सकते हैं और Strictly सजेस्टेड फॉर ऑल एग्जाम्स ऑफ दो हज़ार बाईस भाई अगर किन्हीं भी सजेस्ट किन्हीं को भी अगर सॉल्व किन्हीं को भी अगर अटेम्प्ट करने एग्जाम्स दो हजार बाईस के तेईस के चौबीस के जिनका भी एम है जिनके पास भी टाइम है नाइन टेंथ वाले जो भी लोग हैं उनके लिए तो स्ट्रिक्ट सजेस्टेड है कि बुक को जरूर यूज कीजिए वैसे भी मैंने कल जब लेक्चर लिया था तो आपको बताया था कि आपको जो कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए उसमें क्या क्या है पीटर साइक से एल और एम चौहानी ये तो जरूर यूज करना चाहिए अगर आपका पर्पस है कि आप सिर्फ और सिर्फ जे ही मेंस या नीट नहीं आप जे एडवांस कर रहे हैं टारगेट या फिर आप के बी टारगेट कर रहे हैं या फिर ओलम्पिया टारगेट कर रहे हैं तो साथ साथ इनको पढ़ लीजिए सारे एग्जाम्स के लिए अपने आप ये मोर देन सफिशियंट हो जाएंगे अब चले आए आपकी बातें सुनते हैं आपके बात को रिप्लाई करते हैं मोटी मोटी जो भी बातें आपको बतानी थी वो बता दी बुक के बारे में बुक इज क्या है बुक क्या है अपने आप में बुक आरडीएक्स और टीएनटी और जितने भी एक्सप्लोसिव है सबको मिला दीजिए सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव है और बहुत यूजफुल है है ना मतलब कहा जाता है ना कि ये बुक सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं बनी ये बुक टीचर्स के लिए भी बनी है हम भी तो इसी इन्हीं बुक से सीखते हैं हम भी इन्हीं बुक से सीखते हैं आई बात समाज, ये बुक सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं होती है किसके लिए होती है टीचर के लिए भी होती है है ना आपका मेंटरशिप चाहिए सर पीटर साइक्स के लिए आ, मैं पूरी कोशिश करूंगा सॉरी श्योर आई विल बी देयर टू हेल्प आप बताओ और कुछ बताओ स्पेसिफिक फॉर कॉन्सेप्ट कुछ बताओ बुक से रिलेटेड पहले पूछ लो अपनी बातें

कंसिडर लॉट ऑफ थिंग्स बहुत सारी चीजें चल रही है ना तो यार थोड़ा सा टाइम दो फुल बुक सॉल्व करनी है क्या यशवंत एक्चुअली ना पहले तो ओरिजिनल बुक आप देखो ओरिजिनल बुक और जो एडिटेड वर्जन है उसके बीच में डिफरेंस देख लो ओरिजिनल बुक तो ओरिजिनल ही होती है भाई हर टीचर की क्या होती है ओरिजिनल लैंग्वेज मिलती है उसमें तो अभी कुछ सालों से ना एक एडिटेड वर्जन आ गया है इंडियन एडिटेड वर्जन इंडियन एडिटेड वर्जन आ गया अब इसमें क्या है ना देखो अच्छी बात क्या है और बुरी बात क्या है सबसे बुरी बात तो ये है कि मेरा माइक यहाँ फंसा हुआ है और मुझे मेहनत करनी पड़ेगी उधर जाने के लिए एक सेकेंड रुक जाइए क्या बता ओरिजिनल बुक और इंडियन एडिटेड वर्जन दोनों में क्या डिफरेंस है पहले दो यहां पर क्या है ना प्योर थ्योरी ठीक है चीके? यहां पर क्या है थ्योरी विद एक्सरसाइज ठीक है अब आप कहेंगे तो पार्ट ज्यादा अच्छा हो गया लेकिन देखिए मैं मैंने इस बुक को ना मैंने इस बुक को एक्चुअली देखा ही नहीं क्यों नहीं देखा क्योंकि भाई ओरिजिनल ओरिजिनल होता है और हम पीटर साइक्स यूज क्यों करते हैं इसके लिए यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तो ऑलरेडी हम एमएस चौहान या दूसरी एमएस चौहान है या आपकी जो बुक है हम हम बुक की बात कर रहे हैं हम अपने कोचिंग के मटेरियल की तो बात भी नहीं कर रहे हम तो सिर्फ बुक की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारी सीरीज है कि हम बुक के ऊपर डिस्कशन करें अगर कोई बच्चा अगर कोचिंग में नहीं पढ़ रहा है उसके लिए भी ये डिस्कशन है ना सिर्फ और सिर्फ उनके लिए थोड़ी ना जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली हमारा जो डिस्कशन चल रहा है कि अगर कोई सेल्फ स्टडी करना चाहेगा तो उसे क्या करना चाहिए उनके लिए तो यार अगर जैसे ओरिजिनल बुक है ओरिजिनल बुक में थ्योरी है ओरिजिनल बुक की थ्योरी की अलग ही बात होती है एडिटेड वर्जन में ना क्या होता गड़बड़ी हम हो सकता है कि टीचर ने अपनी तरफ से विदाउट रिसर्च कर दिया हो एडिशन कोई बुराई नहीं कर रहे मैं बता रहा हूँ कि यह भी बुक अच्छी हो सकती है बट मैंने तो टच नहीं किया सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के लिए ना भाई इस इस बुक की बात अलग ही होनी है हमेशा ये ओरिजिनल बुक है किसी के एडिटेड नहीं है जो वर्ड्स होंगे वो पीटर साइक्स के होंगे ही इज अ वर्ल्ड रिनोन स्कॉलर भाई ये सिर्फ इंडिया में पॉपुलर नहीं है इंडिया वाले ने तो पॉपुलर कर दिया जेई एडवांस की वजह से और ओलंपियाड की वजह से बट ये बुक वर्ल्ड रिनोन्ड है वर्ल्ड रिनोन्ड बुक है समझ रहे हैं और आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ एक एक स्टोरी सुनाता हूँ सुनेंगे आप एक बहुत अच्छी स्टोरी मतलब इन्हीं के इन्हीं के लेवल पर रिलेटेड है एक्जैक्टली exactly इनसे नहीं है बट इन्हीं से रिलेटेड है आई यू क्यूसी सी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दो सर प्लीज़ बता दो उसमें सिक्सटी फाइव मार्क्स के आसपास आ रहे हैं आपने उस दिन कहा था कि अगले दिन बता दो कि हाँ बट मैं जो है बिल्कुल फ्री नहीं हो पाया और कट ऑफ डिस्कस नहीं कर पाया बट सिक्सटी फाइव मार्क्स पर आप आप रिलैक्स रहिए ठीक है।, है थोड़ा रिलैक्स रहिए सिक्सटी फाइव मार्क्स पर बिकॉज के चांसेस बन सकते हैं और अब अब चिल आउट होकर के दूसरे एग्जाम्स की तरफ लगी है। प्लीज चल फिजिकल केमिस्ट्री गुड थ्योरी बुक आनंद अब प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा फिजिकल केमिस्ट्री वाला लेक्चर देख लो ना वैसे आपको बता दूं कि आप ब्रूसमान यूज़ कर सकते हो प्रॉब्लम के लिए एना यूज कर सकते हो और मैकमरीफे ब्रूस्मान और मैकमरीफे थ्योरी के लिए बट वो देख लेना ठीक है मुझे बस पूछना था कि पूरी शर्मा पठानिया का फिजिकल के लिए अच्छा है श्रीकांत अगर ना आप ना ब्रुस महान अगर आपके पास एक साल है श्रीकांत ऑल दोज महान और मैकमरी एक बार पढ़ के देखो यार प्यार हो जाएगा आप क्या चाहते हो प्यार नहीं करना चाहते हो हाँ? पढ़ाई से प्यार हो जाएगा हिमांशु पांडे और एमएससी इज टफ बुक दैन हिमांशु पांडे सो यशवंत इफ यू आर डूइंग इफ यू आर गोइंग फॉर एमएस चौहान कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी हिमांशु पांडे की बट स्टिल अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए तो बाद में कर लेना वैसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी जेई प्लस एडवांस प्लस के प्लस आरडीएक्स कॉम्बो होल केमिस्ट्री गुड 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 चलिए चले चले एक स्टोरी सुनिए सुनिए क्या है ना स्टोरी वैसे सुनना कोई नहीं चाह रहा था तो चल रहने देते हैं बाद में करते हैं स्टोरी पे बात जब सुनना नहीं चाह रहे तो क्यों बताएं तो मैं बता रहा था कि ओरिजिनल बुक में क्या है ना थ्योरी है और प्रॉब्लम के लिए तो हमारे पास तो चौहान और हिमांशु पांडे वगैरह है ही है, है ना सो so, अगर हमें सॉल्विंग करनी है तो हम एक्सरसाइज वाली बुक क्यों लें चलो कोई बोलता है नहीं इंडियन एडिटेड वर्जन को आसान बनाया गया होगा मेरा कहना है यार हम आसान के लिए नहीं पढ़ रहे हम पढ़ रहे हैं ना अच्छे लेवल के लिए इसमें कोई इस एडिटेड वर्जन की कोई बुराई नहीं है हमेशा हम लोग क्या होते हैं पढ़ाई में हमेशा थोड़े सेल्फिश होते हैं ना हमेशा अच्छी चीज़ लेना चाहते हैं है ना हम हम, हम, हम हमेशा जो अच्छे टीचर से भी पढ़ना चाहते हैं हम अच्छे कॉन्सेप्ट्स पढ़ना चाहते हैं हमेशा हम थोड़े सेल्फिश होते हैं तो वही बात है हम थोड़े से सेल्फिश हो रहे हैं हम थोड़ा और अच्छी चीज़ की तरफ जा रहे हैं ये सोच करके कि यार प्रॉब्लम बुक की तरफ तो हम प्रॉब्लम बुक तो अपने पास सही है सो यार हमें तो ऑरिजिनल थ्योरी दे दो बस ठीक है इसीलिए मैं फेवर करता हूँ कि ये अपने पास होना चाहिए ये चीज़ होनी चाहिए ये इंडियन एडिटेड वर्जन और जो ऑरिजिनल बुक है उसके बीच में है अब इसके इससे रिलेटेड मैंने डाउट्स बहुत सारे क्लियर किए हैं पहले तो आप ये बता दो कि मैंने कौन से कौन से लोगों को मैंने सजेस्ट किए बुक जिनके पास कम से कम कितना टाइम होगा एटलीस्ट वन ईयर है ना बाकी मैंने ये भी बताया जेई मेन के लिए मत यूज़ करो जेई एडवांस के लिए यूज कर सकते हो अगर टीचर आपके साथ है तो ठीक है चलो यार आपके क्वेश्चन ले लेते हैं <laughs> क्या है सर क्या कोचिंग नोट्स के बाद क्लेडन उठा सकते हैं पीयूष दैट डिपेंड्स कि आपका लेवल क्या हो गया बिल्कुल उठा सकते हैं बट आपके पास टाइम क्या है और आपका लेवल क्या है वो पता होना चाहिए श्रोडिंगर इक्वेशन का फील लेके आया हूँ सर बढ़िया 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 ओरिजिनल ऑनलाइन अवेलेबल है हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल आप भी अभी अभी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए अभी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए टॉप कोचिंग मॉड्यूल हाँ बिल्कुल बिंदास यूज कीजिए ना किसी भी कोचिंग का आप यूज़ कर दीजिए ऑलमोस्ट अब हर जगह मटेरियल आसपास ही होता है कुछ खास डिफरेंस मटेरियल का ज्यादा होता नहीं है जो कोचिंग में प्रोवाइड होता है अब डिफरेंस जो है वो टीचर और स्टूडेंट की वजह से ही आता है हेलो अनमोल वाह अक्षत हाँ हाँ क्लेडन बिल्कुल 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 तुषार क्या पूछ रहा तुषार के वी पी सबके लिए आर डी कॉम्बो देखो मैंने आप देखो कि मैंने फिजिकल वाले सेक्शन में फिजिकल वाले सेक्शन में बताया भाई कि भाई आरडीएक्स कॉम्बो क्या होता है सबसे एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन क्या होगा फिजिकल वाला एक बार देख लेना उस उसमें बहुत सारी बातें डिस्कस है मैंने बताया हुआ ब्रूस महान ये सब बुक पढ़ोगे ना प्यार हो जाएगा बट कम से कम आपके पास एक साल होना चाहिए मैकमरीफे सब थ्योरी अगर यूज करनी है ना तो ये हो गई थ्योरी के लिए प्रॉब्लम के लिए तो आपके पास बुक है ही है ना इन अवस्थी तो कोई बच्चा इतना कर ले उससे यार इतना यार नाइनटी नाइन परसेंट जनता ये करती नहीं है पढ़ने का काम कितनी मतलब थॉरली पढ़ने का काम कितनी जनता करती है वही एक परसेंट से कम सो so, अगर आप इतना करते हो यार तो आप ऑलरेडी ना पॉइंट जीरो जीरो स्टूडेंट्स में हो बहुत आराम से आप हर तरह के एग्जाम को फोड़ सकते हो पॉइंट ये है कि क्या आप करोगे क्या आप डिसिप्लिन होकर के करोगे ये पॉइंट है अब ये तो सबको पता चल चुका है कि ये बुक्स है लेकिन पॉइंट ये है कि आप करोगे तब तो ना करना पड़ेगा है ना हार्डवर्क करना पड़ेगा और फिजिकल और ऑर्गेनिक बता दिया और इनऑर्गेनिक तो जब मैं आऊंगा स्पेशली तभी बताऊंगा अभी दो पर डिस्कशन हो चुका है तो वो आपको फिर से एक बार और उसके अकॉर्डिंगली कर लीजिए क्या ही आप फिर भी पास करेंगे बट मेरा सजेशन है भाई मेरे स्टूडेंट ने जब अंडर हंड्रेड रैंक जो बनाई हुई है सिंगल डिजिट रैंक बनाई हुई डबल डिजिट रैंक बनाई हुई है ट्रिपल डिजिट रैंक बनाई हुई है और पीछे के भी रैंक लाए हुए हर तरह के स्टूडेंट जो कि अपने एलेवेंथ ट्वेल्थ के साथ अच्छी रैंक जिन्होंने अचीव की है या जिनको कर लेनी चाहिए थी बट गलती से नहीं कर पाए सबके लिए जो भी हार्ड वर्किंग थे जिनको भी पसंद था पढ़ना जिनके पास भी एक साल से ज़्यादा टाइम था सबको मैंने ये कॉम्बिनेशन करवाएं और बिल्कुल अचूक है तो दैट इज़ माई सजेशन कंप्यूटर साइज के साथ आप क्या रखो आप एल रखो और एल के साथ फिर वही एम एस ऑन एज अ बुक सॉल्व कर लो और ये कोई भी यूज़ कर सकता है ये कोई ऐसा नहीं है कि ये मैं नीट के लिए बता रहा हूँ या फिर जो या फिर जेई मेन्स के लिए एडवांस के लिए बता रहा हूँ भाई पढ़ना सबका रास्ता सेम ही है जेई एडवांस में लास्ट में जाकर के आपका एनालिटिकल प्रॉब्लम थोड़े ज्यादा बनाने और वही ओलंपियाड में जाएंगे तो एनालिटिकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बनाने हैं लेकिन शुरुआती लेवल तो सबका वही रहता है ना सारे एग्जाम्स का फिर सबके लिए चलो अरे यार टेबल ज्यादा नीचे हो गया थोड़ा उठा ले पीटर एटकिंस मैंने क्या बताया था आप देखोगे ना एपिसोड देखो यार फिजिकल वाला देख लो ना प्लीज 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 मैंने बताया पीटर एटकिंस पीटर एटकिंस को एडकिट करके पढ़ना चाहिए पीटर सेलेक्ट करके पीटर एटकिन साइक्स अलग है पीटर एटकिन पीटर एडकिन मस्ट भी रेड सेलेक्टिवली ऑनली क्योंकि उसमें बहुत सारी अनवॉन्टेड चीजें जिसकी कोई जरूरत नहीं है आपको पीटर साइक्स जेई वाले की ओरिजिनल ओरिजिनल <laughs> ओरिजिनल ओरिजिनल अभी जस्ट मैंने ओरिजिनल से रिलेटेड बात की थी ना यहाँ पर ओरिजिनल और इंडियन एडिटेड वर्जन आई ऑलवेज सजेस्ट ओनली दिस ठीक है ऐसा उसमें कोई बुराई नहीं है मैंने देखा ही नहीं है उसको और मैंने क्यों नहीं देखा है मैं इसलिए बता रहा हूं मैंने नहीं देखा क्योंकि अक्सर जो है ना इंडियन एडिशन में जो है बातें बदल जाती हैं हमें रियल बातें चाहिए हमें जो जो इन्होंने बताया वही चाहिए हमें कोई चेंज नहीं चाहिए हमें डर है कि पता नहीं क्या चेंज हुआ होगा कोई बुराई नहीं है बार बार बोल रहा हूं के भाई कोई अगर किसी बंदे ने इसको अच्छे से पढ़ा होगा वो सजेस्ट कर सकता है मैंने तो देखा ही नहीं इसीलिए नहीं देखा क्योंकि मुझे एक्सरसाइज से मतलब क्या है क्वेश्चन तो वैसे भी थ्योरी से बनने हैं और हमें यहां इसको यूज करना था मैकेनिज्म की थ्योरी के लिए ठीक है चलो और बताओ सर आई एम स्कोरिंग ऑनली टू मार्क्स इन आई यू सी वॉट टू डू बस नेक्स्ट एग्जाम के लिए लड़ते हैं ना मल्होत्रा क्या ही फर्क पड़ता है लड्डू भी आ जाए निगेटिव आ जाए क्या फर्क पड़ता है फर्क पड़ता है अपने एटीट्यूड से बॉन्डिंग का एक सेशन ले लो गुड 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 सजेशन

हुई पढ़ सकते हो आप बिल्कुल लेकिन टाइम रहना चाहिए आपके पास लंबा दूसरा बेसिक्स हो जाने चाहिए एनएससी कोर्स एनएससी कोर्स के बारे में क्या पूछ रहे हो बताओ कुछ उससे रिलेटेड कुछ पूछना है सोलोमंस इज अडॉप्टेड बाय एमएस चौहान इज इट गुड रोहन मैंने सोलोमंस वाला ना अडॉप्टेड वर्जन देखा ही नहीं एम चौहान सर का एमएस चौहान सर इज लेजेंड और यार सर का ना वो देखा ही नहीं पता है क्यों नहीं देखा आप सोच सकते क्यों नहीं देखा क्योंकि मैं इंडियन एडिटेड वर्जन नहीं देखता सर की जो प्रॉब्लम है वो अल्टीमेट है है ना और चूंकि मैंने खुद भी पांच साल बंसल क्लासेज में पढ़ाया है जहां पर, जहां पर सर खुद पहले थे है ना पता तो यार बंसल क्लासेस के एक एक मटेरियल को मैं जानता हूं और इनफैक्ट के वन के सर की जो बुक है उसमें भी वही है ना बंसल क्लासेस का जो अपना बंसल क्लासेस यू नो दैट के आर द फर्स्ट इंस्टीट्यूट दैट दिस ने कि जिसने की एक्चुअली कोचिंग क्या होती है वो लोगों को बताने का काम बंसल क्लासेस ने किया है है ना भले ही आज बंसल क्लासेस बंद हो गई लेकिन बंसल क्लासेस ने जो काम किया था कोचिंग फील्ड में सभी लोग मानते हैं बहुत मेहनत हुई थी और बहुत अच्छा मटेरियल बनाया गया था तो बंसल क्लासेस का जो मटेरियल है उसी से सब ने सीखा है एक तरह से बोला जा सकता है रफली वैसे तो सभी लोगों ने अपनी मेहनत से सीखा ये भी बोल सकते हैं बट चूंकि मैं पाँच साल वहाँ रहा हूँ तो अच्छा मटीरियल क्या होता है आई थिंक दैट के मैं बता सकता हूँ ओ भाई लव फ्रॉम लॉस वेगास भी है <laughs> थैंक यू भाई थैंक यू सच मुझे ना एम एस चौहान ईजी तो नहीं कह सकते ऐसी तो गलत बात है <laughs> तो गलत बात है इजी नहीं कह सकते पहले है आप दोनों ले सकते हैं अगर आपके पास दो साल है तो एक साल है तब भी आप दोनों ले सकते हैं लव यू सो मच भाई मेरा उत्सव है ना साई सिद्धार्थ अगर इजी लगता है दोस्त, तो बहुत अच्छी बात है, है ना है कि नहीं अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको दिखाऊं मैं एक आपको इंटरेस्टिंग बात दिखाऊं आपको आपको पता होगा कि जब आई यू का एग्ज़ाम हुआ था अभी सैटरडे को तो सैटरडे या संडे पता नहीं याद भी नहीं है मेरी तबीयत ख़राब थी उस दिन फीवर था तो पता है क्या कि उस दिन ना मतलब मुझे सॉल्यूशन जो है वो मतलब अक्सर एग्ज़ाम जब होता है तो हम क्या करते हैं हम सॉल्यूशन आते हैं सॉल्यूशन uh, देते हैं जब एग्ज़ाम होता है तो तो उस दिन ना आयु किसी वाले दिन मेरी तबियत खराब थी तो मैं आने वाला नहीं था समझ रहे हो अरे अनुष्का शर्मा बताइए आप लोग तो खुश हो गए होंगे तो आ, मैं क्या बता रहा था देखो कि ये ना अनुष्का शर्मा चलेगी ना ठीक है तो ये आयु किसी का आप देख रहे हो ना इसमें कि <laughs> हाँ सुन लो सुन लो सुन लो मैं कुछ बता रहा हूँ तो आयु किसी का ना सॉल्यूशन आप देख रहे हो चश्मा लगाया हुआ क्योंकि फीवर था और ना बिल्कुल आईज जो है बिल्कुल बहुत ज्यादा दर्द कर रही थी ये पूरा पूरा पार्ट ना अक्सर फीवर में क्या होता है ये पार्ट ना हेडेक करते रहता है तो उससे पहले मैंने सेशन लिया था उससे पहले वाले दिन दिन भर सुबह आठ बजे से रात के एक डेढ़ दो बजे तक मैंने सेशन लिया था लगातार सुबह आठ बजे से दस सेशन लिए थे मैंने मतलब उससे पहले वाले दिन मैं इतना थका था जितना कि मैंने आठ घंटे जो मैंने लेक्चर लिए थे ना एक बार आठ घंटे एक बार लेक्चर लिया था याद है के वीपीआई के टाइम में तो आप देखोगे उस पर सबसे ज्यादा व्यूज भी दिखाई देंगे छब्बीस हजार व्यूज तो इतना एग्जॉस् ना मुझे जस्ट ओलंपियाड से पहले वाले दिन आया था उतना के वी के टाइम में भी नहीं आया था तो यार मैं एग्जॉस् में आया तो मतलब जोश में देखे जरा कि कैसा पेपर आया है और मैंने ना डायरेक्ट यहाँ पर ना एंट्री की और सॉल्विंग यहीं शुरू किया आप देखोगे एक एक क्वेश्चन को ना मैंने इनफैक्ट के ना किसी बच्चे का स्कैंड कॉपी हम अक्सर क्या कराते हैं पेपर उठा करके हम टाइप कराते हैं और टाइप करा करके फिर सॉल्विंग करते हैं बट मैं वैसा कर ही नहीं सकता था मैं तो बेट पे पड़ा हुआ था तो इनफैक्ट कि मैं उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा तो मैंने बोला भी था टेक्निकल टीम को कि शायद ना दम नहीं होगा करने का बट पता नहीं स्टूडियो में आने के बाद ना जो वाइब्स आते हैं मेरे अंदर आप लोग को देखने के बाद जो एनर्जी आती है वो अलग ही आती है तो आप देखोगे थोड़ा मैं दिख रहा है कि मैं रूखा सूखा हूं हालात उजड़े हुए हैं बट मैं आ गया और एक एक क्वेश्चन ना आपसे डिस्कस कर करके मैं बना रहा था और एरर भी बता रहा था अब मैं दिखा क्यों रहा हूँ वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि भाई ये जो काम किया मैंने ये किसी के पैसे देने पर तो नहीं किया आप में से किसी के पैसे देने पर नहीं किया मैं किसी की नौकरी नहीं कर रहा वेदांतों की कर रहा हूं आप में से किसी की नहीं कर रहा ठीक है तो यार <laughs> कौन है चश्मे वाला मैं ही हूं तो आप सोचो कि ये सेवा हम समाज सेवा टाइप से कर रहे हैं और सोचो आपको फील नहीं होता ओलंपियाड का पेपर आया है तबीयत खराब है और मैं आ गया हूं आंखों में दर्द है आ गया हूं सॉल्यूशन डिस्कस करने के लिए आपसे क्या एप्रिसिएशन नहीं बनता है लाइव ओलिम्पियड का आप एक बार सर्च करो गूगल कोई नहीं दिखाई देगा मैं ही टॉप पर आऊंगा दिखाई दिखाई देगा ना आयु क्यू टाइप करके देखो मैं ही दिखाई दूंगा चमकता हुआ सोल्यूशन के साथ मुस्कुराता हुआ अब मतलब यूजली ना कोई डेयर नहीं करता जनरली कि भाई लाइव में मतलब अभी चार घंटे पहले तीन चार घंटे शायद हुए थे पेपर खत्म हुए हुए मैं बेड पे था उठा उठा पुटा मैं चलाया कि चलो आज तो डिस्कस कर ही लेते हैं और पहले मुझे फील हो रहा था कि नहीं हो पाएगा बट मैं चला आया किसकी वजह से आया भाई आपकी वजह से आया जोश किसने दिलाया आपने दिलाया किसके प्यार की वजह से आपके प्यार की वजह से चलो यार डिस्कस कर लेते हैं किया भी और हर क्वेश्चन डिस्कस जब जब हम करते हैं हैं एक होता है solving, ठीक है? एक एक होता होता है 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 सॉल्विंग ठीक टीचर समझाते भाई आप तीन घंटे के पेपर के लिए एक साल प्रिपेयर करते हैं दो साल प्रिपेयर करते हैं तीन साल प्रिपेयर करते हैं कुछ लोग चार साल प्रिपेयर करते हैं कितनी देर के एग्जाम के लिए तीन घंटे के एग्जाम के लिए है ना सुनना ध्यान से पॉइंट सुनना आप क्या करते हो साल दो साल तीन साल चार साल प्रिपेयर कर तो कितनी देर के एग्जाम के लिए यार तीन घंटे के एग्जाम के लिए अच्छा तीन घंटे के एग्जाम के लिए मैं एक घंटा क्यों नहीं प्रिपेयर करूं तीन घंटा क्यों नहीं प्रिपेयर करूं दो दो साल तीन तीन साल क्यों प्रिपेयर करूं क्योंकि यार प्रिपरेशन टेक्स टाइम वैसे डिस्कशन टेक्स टाइम ये डिस्कशन था लेकिन भाई मेरे कुछ भाई साहब जो है जो जो बहुत ज्यादा जो नफरत दिल में लिए घूमते हैं आपको उनके कमेंट्स में दिखाऊं देखिए तो देखिए क्या लिखा है मतलब बाकी सब तो पॉजिटिव है बाकी सबके सजेशन है कि यार सर यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा होना चाहिए था वैसा होना चाहिए था किसी ने आंसर पूछा है सब पॉजिटिव और सारी जनता पॉजिटिव ही होती है लेकिन एक दो भाई साहब कभी कभी ना कितना दुख पहुंचाते हैं वैसे तो मैं ध्यान नहीं देता क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ा नहीं होता किसी के किसी के लाइक या डिसलाइक के लिए मैं खड़ा हूं तो अपनी अपनी इच्छा से कि भाई मुझे एनर्जी चाहिए लोगों से मुझे लगता है कि भाई ज्ञान थोड़ा बांट करके जो खुशी जो मिलती है ना उसका उसका कोई हिसाब नहीं है तो वो वही खुशी पाने के लिए मैं आता हूँ और देखिए लोगों ने क्या क्या लिखा ओ भाई बातें ज्यादा करते हो सवाल नहीं कराते भाई तीन घंटे एक बार देख लो तो तुझसे क्या बातें मैंने सिवाई सिवाई मैंने डिस्कशन डिस्कशन के के क्या किया पहले तो ओलंपियाड का कोई भी पेपर जो है वो घंटे भर का होता नहीं है अगर उन्होंने घंटे भर में 32 क्वेश्चन भी दिया और वो भी अच्छे लेवल का तो वो तो किसी बच्चे के लिए भी घंटे का नहीं होता है ना ही किसी टीचर के लिए हो सकता है हमें सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन करना होता है रही बात डिस्कशन की हमेशा डिस्कशन टेक्स टाइम तभी मैंने आपको बोला कि तीन घंटे के एग्जाम के लिए आप सालों साल प्रिपेयर करते हो करते हो ना तो अगर कोई कहे कि सर एक घंटे के पेपर को आपने इतना टाइम लगा करके क्यों डिस्कस किया दोस्त मतलब यह कि मैं आता तो मैं आंसर की दिखा करके चले जाता मतलब कि तुम एप्रिसिएशन तुम तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो मतलब ना भाई को मैंने बोला भी रिप्लाई भी किया देखना 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 मैंने लिखा भी है भाई ने तो भाई पूरी फॉर लैंग्वेज यूज की हुई है कोई रेस्पेक्ट नहीं है भाई वैसे भी इंटरनेट पे टीचर्स की कोई रेस्पेक्ट नहीं है और वो हर कोई हर कोई झेलता है सर, का पेपर, one, आप डिस्कस कर रहे हो। और वो भी तबियत खराब है वो भी चश्मे लगा करके आंखों में दर्द के साथ और वो भी खुशी से और पूरा डिस्कशन के साथ आपसे सजेशन लेकर आपसे डिस्कशन के साथ वी आर दी वन आप डिस्कशन कर रहे हैं लेकिन आप सोचो कि नफरत ना लोग कितनी आसानी से आकर के फैलाते हैं और कितना दिल तोड़ा भाई ने बट मैंने रिप्लाई किया भाई ने लिखा मैं इसीलिए दिखाई रहा हूं क्योंकि सारे लोग एग्जाम्पल लो जो भी लोग ऐसा काम करते हो यार किसी टीचर के लिए मत करो आप कोई आपको आप, आपके कोई पैसे नहीं लगे थे यार यहां पर आप मत देखो ना या आपको देखना स्पीड स्पीड कर लो ना भाई लाइव क्लास का कोई मीनिंग होता है कुछ मीनिंग होता है ना और बताइए भाई ने जो गालियां दी है देखिए तो बस गालियां देखते जाइए हाँ भाई हंड्रेड परसेंट एग्री और भाई ने फिजिक्स वाले सेक्शन में भी वही काम किया है। और सोचो मतलब कम से कम यार थोड़ा तो सोच लेते यहां जब लोग सॉल्विंग करते हैं ना तो कई सारे लोग मिल करके सॉल्विंग करते हैं आपको पता है किसी भी कोचिंग में मैं तो आपके प्यार के चक्कर में आ गया कि यार क्या ही है? आपके साथ डिस्कशन करेंगे मजा आएगा लाइव डिस्कशन करते हैं मैंने भी पेपर नहीं देखा आपने देखा हुआ है कोई बात नहीं देखते हैं क्या मजा आता है भाई एक काइंड ऑफ वो गट्स भी है कि मैं आपके साथ लाइव में आ रहा हूं और बिना देखे हुए मैंने डिस्कशन स्टार्ट कर दिया आप माने या ना माने लेकिन इसमें भाई ये आसान चीज नहीं होती है किसी टीचर के लिए भी कि पेपर नहीं देखा और आकर के खड़े हो गए सॉल्विंग के लिए मुझे पता भी नहीं कि पेपर में क्या है क्या नहीं है क्या कितना टफ है कितना नहीं है और वो भी लाइव में जबकि पूरी जनता पूरी पूरी कंट्री देख रही कोई भी देख सकता है कंट्री में तो भाई ने जो लिखा वो भाई आप जाकर के अभी कमेंट सेक्शन में देखिएगा इनके बस का नहीं है पेपर टू पेपर टू को एकदम सॉल्व करना आई एम दी ओनली वन जिसने के आई एन सी एच ओ का इग्नाइटर आज से नहीं महीने भर पहले से डिस्कशन किया हुआ है पूरे इंटरनेट पर ना आप अगर टाइप कीजिएगा आई मैं दिखाई दूंगा डिस्कशन करते हुए भाई ने कुछ देखा नहीं कुछ जाना नहीं मैंने इन्हें लिखा भी कि लीजिए चरण स्पर्श है भाई हालांकि एक दो बच्चे जाकर उनको रिप्लाई भी करते मैंने बोले चरण स्पर्श आपके आपने आंखें खोल दिया हमारी हमें अभी पता चला कि क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन समझाना नहीं होता है केवल सॉल्विंग करनी होती है बिना कुछ बोले <laughs> मैंने बोला ठीक है आपके चरण स्पर्श करता हूं आपने तो आंखें खोल दी क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए हमें सॉल्यूशन डिस्कस नहीं करना चाहिए दैट मींस आपको जाएं आंसर की दिखा दें आपका काम हो गया है ना ठीक है बहुत अच्छी बात है तो आप साक्षात भगवान का अवतार है दर्शन देने के लिए धन्यवाद ये बात पता नहीं किनको किनको बुरी लगी वो लोग और चालू हो गए मुझे टैग किया और पता नहीं क्या क्या लिखा देखिए एकदम भर करके दिखेगा भाई 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 ओह अब ये चाह रहे हैं कि मैं और भी रिप्लाई करूं यार मेरा टाइम बहुत कीमती है है ना वो तो चलिए आपने थोड़ा सा मूड खराब किया तो मैंने लिखा कि दादा ये क्या कर रहे हैं आप इंटरनेट पर ना आयु किसी सर्च कीजिएगा तो सिर्फ आपको दिखाई देगा कि हमने सॉल्यूशन डिस्कस किया है वी रियली डिजर्व यार तो आप अगर अप्रिसिएशन नहीं कर रहे तो कम से कम ये सब बातें मत लिखो ना ये क्या दिखाता है क्या आपका कैरेक्टर नहीं दिखाता है क्या रियलिटी नहीं दिखाता आपके अंदर की बताओ तो अब मैंने भाई को बोला भी कि भाई उस दिन तो मैं डिस्कस भी नहीं करता देखो मैंने बोला कि भाई ना ना मेरे लिए ना ये गट्स की बात थी और बाकी टीचर्स के लिए भी गट्स की बात होती है कि तुरंत में आकर के डिस्कशन करना कुछ घंटे पहले पेपर हुआ है और वो भी ओलंपियाड का और आपके सामने आके मैं डिस्कस कर रहा हूं समझ रहे इनफैक्ट आई वाज सफरिंग विद फीवर भाई को लिखा है कि कुछ तो समझ ले भाई कुछ तो रिस्पेक्ट कर ले भाई लेकिन भाई को रिस्पेक्ट नहीं करनी और पता नहीं भाई जो मेरे जैसे पता नहीं कितने टीचर को दिन रात इसी तरह से तंग करता होगा कुछ पता नहीं बताओ आई एम दी ओनली वन टीचर जब केवीपी वाई एग्जाम हुआ था ना मैंने आठ घंटे का ना वन शॉट लिया था सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि बच्चों को उस दिन जरूरत थी और आप एक बार जाकर के उस आठ घंटे के स्प्रिंट को दे, उस आठ घंटे के ना वन शॉट को देखिएगा पूरा चेहरा मेरा उड़ गया था बट स्टिल मैं आठ घंटे का वो इसलिए कराने जा रहा था इसलिए कराते रहा इसलिए कराते रहा क्योंकि भाई जरूरत थी मैं जब जरूरत के टाइम नहीं काम आऊंगा तो फिर कब काम आऊंगा सो so, लोग कितना दुख देते हैं सोचिए तो मतलब मैं ऑफलाइन टीचिंग ना ऑफलाइन टीचिंग कितनी अच्छी होती है और हम लोग समय ऑफलाइन टीचिंग में हम वो बंदे हैं मतलब ये इन भाई साहब का तो कुछ पता नहीं भाई हमने फर्स्ट रैंक तक बनाई है और रिपीटेडली बनाई और सिंगल डिजिट डबल डिजिट पता नहीं कितने बनाए हिसाब नहीं है मतलब हम बहुत खुश थे जब हम ऑफलाइन टीचिंग कर रहे थे तो लेकिन ना कुछ लोग ना बताते हैं आपको कि सर प्लीज ऑनलाइन तो मत पढ़ाओ ऑनलाइन में तो बहुत गंद है ऑनलाइन तो पढ़ाओ मत सर फील कराते हैं कि ऑनलाइन बिल्कुल मत पढ़ाओ ऑनलाइन तो इतनी गंद है मत पढ़ाओ क्योंकि ना ऐसे लोग ना आपको जीने नहीं देंगे मुस्कुराने नहीं देंगे हमेशा आपकी एनर्जी खा जाएंगे शायद ये फर्स्ट टाइम है इतने दिनों में कि मैंने ना किसी का कमेंट दिखाया है क्योंकि भाई बहुत दुख पहुंचा इसलिए चाहिए बोले आप जाके कमेंट्स पढ़िएगा भाई ने तो क्या, क्या 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 और नहीं लिखा मैंने तो फिर पढ़ा भी नहीं क्योंकि भाई इतना टाइम नहीं देना अपने को है ना चलिए आप वो बुक के बारे में कुछ और पूछना है वो बताना बहुत जरूरी था और लाइव क्लास में बताना बहुत जरूरी था भाई मैं भाई को मैसेज दे रहा हूँ कि भाई मैं हार गया सच में हार गया जो भी भाई थे वो यही सुनना चाहते थे कि सर प्लीज 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 दंडवत हमें प्रणाम प्ली कर दो बोल दो कि हमारे सामने आप टिक नहीं सकते तो मैं सच में सारी जनता के सामने मैं बोल रहा हूँ भाई प्लीज मैं मानता हूं कि मैं हार गया तुझसे मैं फॉल लैंग्वेज यूज करने में किसी को डराने में धमकाने में गलत बोलने में किसी का कॉन्फिडेंस और मोरल गिराने में तुझसे कैसे जीत सकता हूं मैं नहीं जीत सकता मैं हार गया सच्ची सो so, सच में मैं हार गया सो so, जहां कहीं पर भाई लाइव में देख लो मैंने आपको बोला है सॉरी भाई आपको हर्ट कर दिया अगर मैंने तो रहने दो इससे अच्छा था कि आप भाई मैं पॉइंट आउट कराता आपको अप्रिशिएट कराना चाहिए इससे अच्छा क्या होना चाहिए तो मुझे साइड में होकर के रो लेना चाहिए था है ना बिल्कुल बिल्कुल ऑनलाइन टीचिंग में भाई कभी भी टीचर की रेस्पेक्ट नहीं होती है वो टीचर की रेस्पेक्ट सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन ही होती है चलो अब इसके आगे कुछ और क्या डिस्कस करो आपको कुछ कमेंट सेक्शन में लिखना होगा बुक से रिलेटेड तो लिखना क्या ना कुछ हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल मैं ध्यान नहीं देता किसी पर भी लेकिन कभी कभार तो बुरा लगता है ना अभी अपनी अभी अभी क्या है ना कि लोगों ने अभी मतलब ठीक है अब इन सब अटैक के बाद थोड़ा अपनी चमड़ी मोटी हो जाएगी थोड़ा हो जाएगा और ज्यादा बट ऐसे बहुत सारे लोग पहले भी आए बट बहुत इग्नोर किया बट एक आध बार तो आपके साथ तो मन हल्का करना बनता है आरसीम और एनावस्थी और पी बहादुर अवस्थी अभिजीत अवस्थी थैंक्स दोस्त तुषार लव यू सो मच आदित्य सुन लिया मैंने पक्का वर्क करते हैं पेपर टू पर वर्क करते हैं पेपर टू का भी आंसर निकालते हैं हा, हाँ गुना अन अकेडमी के होंगे शायद <laughs> नहीं वो कहीं के भी हो अन अकेडमी ये थोड़ी ना सिखाता है कि मोर सबसे खराब कर दो कोई कोई को इंस्टीट्यूट नहीं सिखाता ऐसा कोई सिखा ही नहीं सकता सारे इंस्टीट्यूट क्या है सभी भगवान के मंदिर हैं के कुमार और वीके जायसवाल वीके जायसवाल इज काइंड ऑफ है वो ज्यादा आपको एनसीआरटी ओरिएंटेड काम देगी के कुमार भी अच्छी है कोई भी बच्चा दोनों कर सकता है दोनों में से कोई एक भी बट मैं प्रिफर करता हूं वीके जायसवाल थोड़ा वो क्या ज्यादा एनसीआर टी दिखता है कुछ जगह पर है ना <laughs> हां मेरे भाई हाँ केमसन ब्रो वेरी शॉर्ट यस 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 थैंक यू फॉर द लव एंड जो भी लोग यार देखो अगर ना इंटरनेट पे आपको सारी चीजें फ्री मिल रही हैं किसी भी सेक्शन में आपको बुलाया नहीं गया आपके पैसे नहीं लग रहे सो so बस एक चीज कर दिया करो टीचर्स को रिस्पेक्ट दे दिया करो मैं तो भाई टीचर नहीं मैं तो भाई इसीलिए पता है क्या मैं इसीलिए मैं इसीलिए बातें करता हूँ बोलता कि भाई लव यू भाई लव यू दोस्त बोलते पता है इससे क्या होगा तुम कुछ बुरा भी बोलोगे ना तो मैं कम बुरा मानूंगा क्योंकि मैं एज अ भाई बहन चलूंगा मैं एज अ दोस्त चलूंगा एज अ भाई बहन चलूंगा और टीचर वाली फीलिंग होती है तो ज्यादा बुरा लगता है तो मैं वो टीचर वाली फीलिंग नहीं रखना चाहता मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसे चले हम लोग इस तरह से चले बिल्कुल बिल्कुल यस थैंक यू आई यू टारगेट ट्वेंटी ट्वेंटी टू थैंक यू सुजान लव सो मच ओपी टंडन और ए नवस्ती ए नवस्थी सीधा नहीं सनी गॉड नहीं बनाना दोस्त किसी को अब रोड मैप बताने वाले थे जेई 2023 का हाँ ली अभी भी बिल्कुल बार बार बोल रहा हूँ वो अभी भी आएगा श्योर आएगा रोड मैप मैंने ऑलरेडी लिख करके दे दिया पूरी टीम जो है उस पर लगी हुई है रोड मैप जो है वो लाना हिमांशु पांडे एम एस चौन एम एस चौन अगर आप करते हो तो ऑलरेडी लेवल अप हो जाता है हीरक सो so, फिर तो उसके बाद हिमांशु पांडे की जरूरत नहीं पड़ती है हिमांशु पांडे करने वालों को एम एस चौन करने की जरूरत पड़ सकती है कोई बच्चा अगर एम एस चौन पढ़े तो वो ओलंपियाड भी क्रॉक क्रैक कर सकता है बहुत अच्छे से और यही एडवांस या कोई भी टफ से टफ एग्जाम जीरो से लेकर के टफ तक कोई भी सेक्शन आप उसमें बना सकते हैं कुछ जगह पर बहुत टफ है एम एस चौन वैसी चीज आपको हर जगह हिमांशु पांडे में नहीं दिखेगी हिमांशु पांडे इस काइंड ऑफ है कि हाँ वो आपसे बनते रहेगी

लेकिन जे जेडीली ऐसी बुक है जिसको के इंडियन एडिटेड वर्जन वो अल्टीमेट है तो जेडीली का जो इंडियन एडिटेड वर्जन है सुदर्शन दैट इज द अल्टीमेट बुक मैं इनऑर्गेनिक वाला कल परसों में लाता हूं सेशन उसमें आपको यही बातें बताता हूं क्योंकि अपना मैंने फिजिकल के बारे में बता दिया आज ऑर्गेनिक कल ऑर्गेनिक के बारे में बताया था आज तो चलो पीटर साइक्स के बारे में बताया मैंने बट स्पेशली आपको इनऑर्गेनिक के बारे में भी बता देंगे टेंशन ना लो पोला पोला ब्रुक्स इज बेस्ट एक्चुअली पोला ब्रुक्स के अलावा अगर आप एल के साथ पीटर साइक्स यूज करोगे

ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे जेई और, ओरिएंटेड ज़्यादा है नीट ओरिएंटेड ज़्यादा है वो जो आपके सिलेबस ओरिएंटेड काम उसमें ज़्यादा है मॉरिसन पार्ट में आपको कुछ पार्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे बट वो बुक्स भी है वैसी हैं कल का सेशन अगर मेरा देखोगे मैंने सारी बुक्स का नाम लिया क्लेडन के बारे में भी स्पेशली बताया है और इनफैक्ट बताया कि क्लेडन जो है वो आप अगर आप जेई में जाते हो आईटी में जाते हो तो वहाँ पर फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाएगा मेडिकल वालों को तो खैर जरूरत नहीं पड़ती है बट वहाँ आई में जाओगे तो क्लेडन ही बोला जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर में Uh, थोड़ा सा टाइम है अभी नरसिम्हा बट आई विल स्टार्ट सोलोमन फ्राइल द सेम थिंग सोलोमन फ्राइल के लिए भी आदित्य इफ सोलोमन फ्राइल की जगह पे आप अगर एल जी वेड यूज करोगे ज्यादा अच्छे मिल जाएंगे ऋत्विक सर प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश प्लीज आई वॉज टॉकिंग अबाउट पीटर साइक्स ऋत्विक एंड आई वॉज टेलिंग दैट के इफ यू टू डू पीटर साइक्स देन यू मस्ट हैव हैव वन ईयर एट लीस्ट एंड इफ यू अ टीचर इन सपोर्ट देन एक्चुअली देर इज काइंड ऑफ ए के यार यू विल फील के योर ऑर्गेनिक विल बी ऑन द नेक्स्ट लेवल इफ यू हैवेपर्ट ऑफ अ टीचर हू कैन टेक यूर डाउट्स ऑफ पीटर साइक्स टेक यूर डाउट्स ऑफ एल जी वेड भाई तब तो मजा आ जाएगा अदरवाइज यू हैव टू गो फॉर द सेल्फ स्टडी मूड खुद से पढ़ के भी आप कर सकते हो बट यू नीड टाइम प्लीज टेल इन चंडीगढ़ लैंग्वेज नहीं 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 थोड़ा सा इंग्लिश में भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम थी है ना सो इंग्लिश में चाहिए था तो थोड़ी मेरी इंग्लिश की प्रैक्टिस हो गई उसी से <laughs> सर जेडी के लिए जेडीली के लिए सही है जेई के लिए हाँ जी परफेक्ट जेडीली बाय सुदर्शन खुआ जेडीली बाय सुदर्शन खुआ जेडीली इज द ओनली बुक दैट कैन बी यूज्ड विद रिस्पेक्ट टू के इंडियन एडिटेड वर्जन वैसे इंडियन एडिटेड वर्जन को मैं सपोर्ट नहीं करता पी बहादुर को करें सर बेटर इज एनवस्थी मोर एग्जाम ओरिएंटेड है एनवस्थी इज मोर एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स लॉन्च करेंगे भी भी दोनों होंगे तनिश। <laughs> नहीं, नहीं, नहीं। उससे अच्छा होगा क्या ना कि थ्योरी आप बुक से पढ़ लो विशाल बुक से पढ़ लो एल जी वेट की थ्योरी पढ़ लो एम एसन सर की जो बुक है एडिटेड वर्जन है ना सोलो मंथस की वो मतलब आप जा सकते हो बट क्या है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप ओरिजिनल चीज़ें और पढ़ लो ना और फिर अब मान लो कि आप कोई ओरिजिनल चीज़ें पढ़ोगे तो फिर आपको चार बुक तो नहीं बोलेंगे ना पढ़ने के लिए तो इसीलिए मैं कहूंगा कि एक बुक पढ़ लो जो ओरिजिनल जो बुक लिखी गई है ना वो पढ़ लो क्योंकि हो सकता है कि ना मान लो कि आप एम एस चौहान वाली थ्योरी बुक भी पढ़ते हो और वो आपको ठीक भी लगती है बट पता है क्या कोई बच्चा आपको बोल जाएगा ना कोई स्टूडेंट बोल जाएगा मैंने तो यार मैंने तो एलजीवेट किया हुआ है मैंने तो पीटर साइक्स किया हुआ है बस कॉन्फिडेंस गिर सकता है तो एक क्लास की चीज़ें यूज़ करो एकदम अगर आपके पास टाइम है वन ईयर तो बेहतरीन तरीके से यूज करो बाकी आप कोचिंग का मटेरियल वगैरह तो यूज़ करते ही हो तो उनसे आपको सपोर्ट मिलते ही रहेगा सर के, भी भी स्ट्रीम के लिए कुछ बताओ हाँ अनाउंसमेंट ये है कि भाई आपको बैच अभी मिलने वाले इन सारे एग्जाम्स के लिए है ना और पैरेलली आपको बैच मिलता रहेगा भाई के बी के बैचेस अनाउंस होंगे यूट्यूब बैच भी होगा प्लस अपना जो वेदांतों पर जो पेड होता है वो भी होगा दोनों होगा सो आप देखिएगा आप कहीं पर भी दोनों में से किसी एक जगह तो कीजिए मैं तो बोलूंगा कि आप यहाँ जरूर कीजिए यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है बट नहीं हो पाता है तो यूट्यूब पर ही कीजिए तो के के लिए एस और एस दोनों के लिए ये अनाउंसमेंट होने वाला है साथ साथ देखिए और भी अभी, अभी आप थर्मनेल्स वगैरह देखिएगा ना तो आपको दिखाई देने वाला ये कितने लोग हैं जिनको एलेवंथ का रिविज़न चाहिए क्योंकि एलेवंथ का रिविज़न हम शुरू करने वाले हैं एलेवेंथ रिविजन शॉर्ट्स के जरिए ना वन शॉर्ट्स के जरिए जो है हम रिवीजन करने वाले एलेवंथ रिवीजन ट्वेल्थ रिवीजन ऐसा होने वाला है सो so, कितने लोग हैं जरा फटाफट -फड़ जल्दी से चैट बॉक्स में दिखाओ कितने लोग हैं रिवीजन के लिए पता चला कि हम शुरू भी कर रहे हैं और जनता ही नहीं है तो क्या ही फायदा है? था ना फिर कंपनी बोलेगी कि पैसे भी खर्च हो गए जनता ने भी नहीं देखा क्या फायदा है इलेवंथ रिविजन कौन कौन है एलेवंथ रिविजन अच्छा और एनसीआरटी स्पेशली नीट के लिए और मेन्स के लिए एनसीआर बस्टर सीरीज है अब ये तो खैर चलो थोड़ा ये ज्यादा हो गया केमिस्ट्री ओरिएंटेड ज्यादा है क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ जगह पे एनसीआरटी की ज्यादा जरूरत है और इलेवंथ वाला तो चलो ये तो सारे सब्जेक्ट के लिए 11th और 12th वाला रिवीजन। सो so, कितनी जनता के लिए बताओ? खत्म कर ली बहुत अच्छा तो जिनको रिवीजन की जरूरत नहीं हो, मत करना शाबाश 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 पढ़ने के लिए सीक्वेंस चाहिए <laughs> देखिए एक और अनाउंसमेंट क्या है जो रोड मैप है मतलब कि वही जो सीक्वेंस आप बोल रहे हो ना उसे हम रोड मैप बोलते हैं रोड मैप फॉर 2022 तेईस और चौबीस ये बन रहा है अच्छे से बन जाने दीजिए आपके सामने जरूर लाएंगे कुछ टाइम लगेगा बट अच्छे से बना रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा रोड मैप मतलब आपको कब किस मंथ में क्या पढ़ना चाहिए किस मंथ में क्या सब्जेक्ट खत्म करना चाहिए किस मंथ में कौन चैप्टर खत्म करना चाहिए कब मॉक टेस्ट देना चाहिए सारी चीजें हम एक ना चाहते हैं कि भाई जनता को मिल जाए बच्चे बहुत माइंडलेसली इधर उधर डायरेक्शनलेस होकर के घूमते रहते हैं तो ये स्पेशली वैसे तो बहुत फायदा करेगा जो बच्चे कोचिंग नहीं करते हैं जो कोचिंग करते भी है वो भी फायदा उठा सकते हैं इनका और बताओ एलेवेंथ रिविजन वाले ना अच्छा ये लैग चल रहा है पक्का लैग चल रहा है ना आई यू क्यू जी का नेक्स्ट पेपर कब है सर इस बार तो टाइम से हो जाएगा सुखदेव आई थिंक दैट कि आई यू क्यू जी पेपर दिस ईयर विल बी इन द नवंबर सीजन नवंबर मंथ में अक्सर ओलम्पियाड्स होते हैं पहले विदाउट कोविड जो है वो पहले उसी टाइम पर होते थे दो हज़ार इक्कीस के लिए रोड मैप अच्छा दो हजार इक्कीस के लिए एक काम मैं कर रहा हूँ देखिएगा फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी वन जो भी बच्चे हैं वो इन्फॉर्म कर देंगे जो जेई मेन्स वाले हैं उनके लिए वो ना मतलब एक सेक्शन मतलब कि अभी जो आपके पास ऑलमोस्ट ना 14 से सेवनटीन डेज है मतलब ट्वेंटी थर्ड से स्टार्ट होने वाला है जेई मेन्स तो इनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अभी टेन डेज ट्वेल्व डेज का ना एक केमिस्ट्री का चूंकि केमिस्ट्री स्कोरिंग होती है और केमिस्ट्री में आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं जेई मीनस में तो केमिस्ट्री का ना एक वही वन शॉट कोर्स जो है वो चलने वाला है और वन शॉट मॉक टेस्ट स्पेशली केमिस्ट्री का और एन से भी कैसे आप डेटा उठा करके आपसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं ये सब बातें मैं स्पेशली अपनी तरफ से कर दे रहा हूँ हो सकता है कि मैं भी कुछ फ़ायदा पहुँचा जाऊँ कुछ स्टूडेंट्स को तो उनके लिए भी ये काम कर दे रहा हूँ मैं तो मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें अनाउंस की कि ये चीज़ अभी चल रही है एक तो ये चलेगी जेई इमेंस वाला केमिस्ट्री का रिविज़न व दस बारह दिन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आपको बताएंगे रोड मैप आने वाला है इन सारे अलग अलग ईयर के लिए और यूट्यूब और वेदांतों का अपना जो लाइव क्लासेस होती हैं उन पर बैचेज लॉन्च होने वाले हैं सबकी की प्रोग्रामिंग चल रही है सब चल रहा है ये अभी आपको जस्ट मिलने वाला है एलेवंथ रिविज़न कुछ दिनों में और बाकी एनसीईआरटी बस्टर सीरीज़ तो आपको बोली भी है थंबनेल वगैरह भी लग गया होगा ठीक है कुछ पूछना है तो बताओ जल्दी से फटाफट और नहीं तो सेशन को बंद करते हैं सेशन लंबा हो जाएगा काफी बताओ कुछ और एनीथिंग एल्स नहीं तो चलते हैं लव यू ऑल थैंक्स फॉर कमिंग इन द सेशन यार सुनने के लिए बातों को और कुछ अच्छी बातें आपसे डिस्कस की कुछ बहुत ही दर्द भरी बातें भी डिस्कस की आपसे बट चलो उनका तो कुछ है नहीं वो दर्द तो अक्सर मिलते ही रहेंगे हमेशा लव यू ऑल आपको कुछ और पूछना है एनीथिंग एल्स कुछ भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो बुक से रिलेटेड है ना और मेरे प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखो जो प्रीवियस वीडियोस है ना बुक रिलेटेड उन सबको देखो सबको पता है कि एम एस चौहान की सॉल्विंग की भी सीरीज़ है अवस्थी की भी सॉल्विंग की सीरीज़ है है ना सबकी सॉल्विंग की सीरीज़ चलेगी और एक दिन मैं ट्राई करूंगा कि कर फिक्स हो जाए एक से दो दिन फिक्स हो जाए सॉल्विंग वाले सीरीज़ की तो जो भी बच्चे 2022 के लिए उनको तो अभी आपने अपने चैनल से फायदा होगा मैं कह सकता हूँ क्योंकि भाई मैं अपने, अपने लेवल पर मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं अपने लेवल पर कुछ चीजें कर रहा हूँ जिससे फायदा बहुत हो सकता है तो प्रीवियस जो सेशन है से ना रिलेटेड टू बुक वो जरूर देखिएगा सेशन से रिलेटेड टू तो बुक देख लीजिएगा मस्ट वॉच सीखिएगा उनसे क्योंकि मैं अक्सर बुक पर बहुत अच्छे अच्छे डिस्कशन करता आया हूं और करवा भी रहा हूं इसीलिए क्योंकि भाई बुक रिलेटेड डिस्कशन बच्चों को पता होना चाहिए कि कौन सी बुक कितना फायदेमंद है नहीं उसकी सच्चाई पता होनी चाहिए मैं कौन सी बुक सजेस्ट करता हूं यह भी पता चल जाए तो इन दी एंडक्स कॉम्बिनेशन बताता हूँ कॉम्बिनेशन सबसे फायदेमंद बाकी आप बताओ एम एस चौन और पीटर साइक्स एम एस चौन और पीटर साइक्स एम एस चौन प्रॉब्लम बुक है मतलब थ्योरी की जगह प्रॉब्लम बुक एमसी चॉन नहीं होता एम एस चौन होता है वासु एन टी एस सी कोर्स इंफॉर्मेशन एन टी एस सी स्टेज टू एन टी एस सी नहीं जो इस साल होगा अभी टाइम है उसमें तो मैं तो कहूँगा कि थोड़ा अभी ओलंपियाड वगैरह से रिलेटेड कुछ पढ़ना हो तो पढ़ लो बिकॉज एन टी एस सी थोड़ा लेट से भी करोगे तो आप कर लोगे कौन से बुक परचेज करें सनी कौन सी क्लास के लिए ये बताओ कौन सी क्लास के लिए जी एडवांस 2021 हजार इक्कीस दोहरे मोहन दो, दो के लिए सबसे अच्छी बात है जो टीचर ने पढ़ाया ना आपके जो भी आपको नोट्स दिया उसका रिवीजन और कुछ नहीं टीचर के साथ चल दीजिए 2021 के जेई मेंस के लिए चुपचाप बस टीचर ने जो पढ़ाया ना वो कर दीजिए बुक्स मत यूज़ कीजिए नुकसान हो जाएगा टाइम चाहिए बुक्स के लिए टाइम चाहिए दोस्त सीधी कड़वी सच्चाई बुक्स के लिए टाइम चाहिए बुक्स के प्यार में मत पढ़ो बुक्स के प्यार में नहीं पढ़ना है <laughs> मतलब बुक्स के साथ टाइम बिताना है यूज़ करना है बुक्स को बट दो के लिए मत करो दो के लिए सबसे अच्छा तरीका क्लास नोट्स के साथ जाओ मॉक टेस्ट के साथ जाओ टीचर ने जो बताया वो करो हाँ एलेवेंथ के लिए यूज़ कीजिए ना बिल्कुल वन ईयर तो कम से कम चाहिए ना पीटर साइक्स के लिए मेंस के लिए ना मत करो, न, न, न। की के लिए बेस्ट बुक ऑर्गेनिक वाला कल का सेक्शन देख लो प्लीज तने मैंने बहुत बार अभी भी आज भी रिपीट कर दिया अभी भी आप रिवाइंड करोगे वीडियो को तो दिख जाएगा मेरे दोस्त लव यू सो मच प्लीज है ना जई दो हजार तेईस क्लासेस जी जी बिल्कुल नागेंद्र मैंने सुना आपकी बात वो चल रहा है प्लानिंग चल रही है और पक्का आपको मिलेगा अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं अभी के लिए चलते हैं ठीक है जनता थैंक यू सो मच लव यू सो मच लव यू ऑल अभी चलते हैं ठीक है आप कमेंट बॉक्स में बताओ जो भी है वरना सेशन बहुत लेंदी हो जाएगा मेरे दोस्त अभी चलते हैं ठीक है आप कमेंट सेक्शन में डालो मैं ट्राई करता हूँ आंसर करूँ लव यू ऑल और पीछे पहले की ना वीडियो ज़रूर देख लेना ट्राई करना